हेलो गाइस, अगर जो आप आर्टिकल लिखकर अर्निंग करना चाहते हैं, यानी कि आपको राइट अर्न करना है, राइट करके अर्न करना है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें जस्ट आपको आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल लिखकर आप यहां पे अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है दोस्तों paidforarticle.com। तो या तो आप इस पर सर्च कर लेंगे या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके भी यहां पे आ सकते हैं। दोस्तों ये जेन्युइन साइट है, यहां पे इसका नाम ये पेड फॉर आर्टिकल बहुत फेमस साइट है। तो यहां पे जस्ट आपको आर्टिकल लिखना है और यहाँ पे अर्न करना। और आर्टिकल कैसे लिखना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि आर्टिकल हम लिखें तो क्या लिखें यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल किस प्रकार यहाँ पे लिखना है और कहाँ से आपको टॉपिक्स मिलेंगे कि आर्टिकल आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे आना है और ये वेबसाइट खोलना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है वहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जस्ट यहाँ पे देखिए, ये जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रजिस्टर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम डालना है, यूजर नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और फिर रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्टर हो जाना। उसके बाद अगर जो आपके जीमेल आईडी पर एक नोटिफिकेशन लिंक जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको लॉगिन करना। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ और यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जस्ट आपका पेज इस प्रकार खुलेगा। तो यहाँ पे आपको इनको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन करना है और फेसबुक पेज को लाइक कर देना है। उसके बदले आपको 0.550 डॉलर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तुरंत इंस्टेंटली आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि आपको यहाँ पे विड्रॉल कितने में होता है। तो जस्ट मैं आपको पहले विड्रॉल का प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको जैसे ही एक ही आर्टिकल अप्रूव हो, आप तुरंत विड्रॉल ले सकते हैं। आप पेटीएम में भी ले सकते हैं, फिर पेपाल में भी ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको पूरा अकाउंट दिखाऊंगा कि किस में ले सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे आपका बैलेंस होगा कि आपका कितना बैलेंस हुआ, कितना विड्रॉल हुआ, कितना रेफरल से हुआ, कितना सीपीएम एवरेज से हुआ। तो जस्ट पूरा यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको पर डे कितनी अर्निंग हुई है, ये पूरा डैशबोर्ड आपका दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आता है कि कैसे हम लिखेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे ऊपर एक दिया है ऑप्शन गाइडलाइन का, तो यहाँ पे जस्ट हम क्लिक करेंगे अथर गाइडलाइन का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अथर गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल जो लिखा है वो कैसे लिखना है, ये पूरा गाइडलाइन दिया है। तो जस्ट आपको ये एक वीडियो दिया, इसको आप देखकर पूरा समझ सकते हैं या फिर आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो मैं थोड़ा टॉपिक बता देता हूँ जो मेन टॉपिक है। तो जस्ट यहाँ पे आपको जैसे आर्टिकल लिखना है तो उसको लिखना है टॉप 10, टॉप 30 या टॉप 20 करके लिखना है। जैसे टॉप 10 सिटी इन इंडिया, या फिर टॉप 10 रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, इस प्रकार का ऐसे लिखना है, या टॉप 10 एनिमल, इसी प्रकार का आपका लिखना है कि आर्टिकल इसी प्रकार को लिखना है। तो आपको ये हो गया प्रोसेस, टॉप 10 करके लिखना, टॉप 20 करके लिखना, टॉप 30 करके लिखना, टॉप 15 करके लिखना है, इस प्रकार का। उसके बाद आपका आर्टिकल जो हो लेटेस्ट 500 वर्ड से 2000 वर्ड तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना, 500 से कम नहीं होना चाहिए, 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों जब आप अपना एक बार आर्टिकल लिख लें तो उसको फिर एक बार मतलब रिव्यू कर लें, उसका मतलब देख लें कि क्या ये आर्टिकल मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा, या कोई इसमें दिक्कत है, या फिर वैसे देख ले। उसके बाद यहाँ पे जो दोस्तों हैं, यहाँ पे 100% यहाँ पे जेन्युइन होना चाहिए, यानी कि आर्टिकल आप खुद लिखें या यहाँ की नहीं कि आप दूसरे जगह से आर्टिकल चुरा लें, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप अगर जो ट्रेंडिंग कंटेंट लिखते हैं तो आपका अप्रूवल जल्दी हो जाता है और यहाँ पे अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है आपको ट्रेंडिंग कंटेंट। जैसे कोई न्यूज हुआ या फिर कोई जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक हुआ, कोई न्यूज हुआ, तो उसको लिखेंगे आप यहाँ पे, तो अर्निंग ज़्यादा आपकी होती रहेगी। तो सिंपल सा यही प्रोसेस है, यहाँ पे ये प्रोसेस करके आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो आप इसको पूरा देख लेंगे या फिर आप खुद पढ़ लेंगे या फिर इस वीडियो को देख लेंगे, इस वीडियो में भी बताया गया अच्छे तरीके से कैसे आपको करना है। अब मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखा देता हूं कि लोगों ने यहां पे पेमेंट प्रूफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जस्ट इस पेमेंट प्रूफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कुछ लोगों ने अभी इंस्टेंटली विड्रॉल लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8:38 पे अभी 5 सितंबर को यहाँ पे इन्होंने 226 रुपये का विड्रॉल लिया है। यहाँ पे इंस्टेंटली एक आर्टिकल जैसे लिखेंगे आपका तुरंत विड्रॉल हो जाता,
तो यहाँ पे देखिए 369 रुपये का विड्रॉल लिया है एक आर्टिकल का। फिर यहाँ पे देखिए 173 रुपये का, आपके आर्टिकल पे आपका फिक्स रेट नहीं होता कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे विड्रॉल मिले हैं अभी 5 सितंबर के ही, ये सब विड्रॉल दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे इसी प्रकार काम करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा 5 सितंबर अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप विड्रॉल ले सकते हैं। तो और यहाँ पे काम क्या है, अब काम कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से बैक आ जाऊँगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट फिर से एक बार बैक आना है डैशबोर्ड पे अपने। डैशबोर्ड पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आता रहेगा, आप फॉलो कर लेंगे तो बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ऐड आर्टिकल पे क्लिक करना है। ऐड आर्टिकल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आना है और अपना आर्टिकल किस प्रकार लिखना है यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है टाइटल, कैटेगरी आपको चूज कर लेना है। कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी में लिखेंगे उस प्रकार के कैटेगरी, जैसे इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, गेमिंग, हेल्थ, लाइफस्टाइल, बिजनेस, स्पोर्ट्स, साइंस, टेच, आप जिस प्रकार के कैटेगरी में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैटेगरी चूज करें, उसके बाद एक समरी लिखेंगे कि आपका जो टाइटल है, मतलब आप जो लिखे हैं, जैसे आपने टॉप 10 एनिमल्स के बारे में लिखा तो यहाँ पे आप समरी में लिख देंगे कि दिस इज आर्टिकल इज ये टॉप 10 एनिमल्स, इसी प्रकार का समरी एक लिख देना है छोटा सा। उसके बाद जैसे 100 या 50-60 वर्ड का, उसके बाद यहाँ पे आपको पैराग्राफ है यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप इन टॉपिक का वो कर सकते हैं कि आप किस किस टॉपिक पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहीं से आप यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ आप लाके पेस्ट नहीं करना पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों पेस्ट का ऑप्शन अब आ गया है, पहले पेस्ट का ऑप्शन नहीं था तो जस्ट यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन भी आ गया। आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कहीं और लिख कर, या फिर कहीं कोई आर्टिकल लिख कर यहाँ पे पेस्ट करके, या फिर यहाँ पे चॉइस फाइल का नाम, अगर जो कोई चीज़ आप यहाँ पे फाइल लगाना चाहते हैं वीडियो फोटोज तो उसको भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैसेज टू रिव्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिव्यू सबमिट पे क्लिक कर देंगे, सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद आपका ये आर्टिकल रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको अब यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा 24 या 48 घंटे में, 48 घंटे ज़्यादा लगते हैं, 48 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते हैं, 48 घंटे में आपका रिव्यू कन्फर्म हो जाएगा। आपका या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपका कन्फर्म हो जाएगा कि आपने अच्छे से लिखा है, तो आपको यहाँ पे रिव्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विड्रॉल का प्रोसेस है, विड्रॉल वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका बैलेंस होगा, यहाँ पे पेंडिंग विड्रॉल दिखाएगा, यहाँ पे टोटल विड्रॉल दिखाएगा। अब विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे विड्रॉल कर लेंगे, जस्ट जिससे पैसा आएगा आप तुरंत विड्रॉल ले सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको विड्रॉल लेना कैसे है, उसके लिए आपको करना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना आपका पूरा एड्रेस दिखाएगा, यूजर नेम आपका नाम दिखाई देगा, बायोग्राफी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपना, यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ पे प्रोफाइल चूज कर सकते हैं, प्रोफाइल इमेज, यहाँ पे अपना सब नेटवर्क का फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, जो भी आपका इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट का जो है यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विड्रॉल के लिए विड्रॉल मेथड है, तो यहाँ पे आपको चॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप पेपाल, स्क्रील, पेटीएम, फोन पे, यहाँ पे गूगल पे, आप किसी में भी आप विड्रॉल ले सकते हैं। तो आपको जैसे पेटीएम में लेना है तो यहाँ पे पेटीएम नंबर डालना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे पेपाल में लेना चाहते हैं तो पेपाल की जीमेल आईडी, अगर जो गूगल पे में लेना चाहते हैं तो गूगल पे का यहाँ पे आपको वो डालना पड़ेगा और यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हैं। तो जस्ट आपको यहाँ पे अकाउंट भी सेट कर लेना है और यहाँ पे विड्रॉल ले लेना है जैसे आपका कोई भी आर्टिकल अप्रूव्ड हो। तो दोस्तों ये प्रोसेस था, तो जैसे कि आपने यहाँ पे पूरा देखा। और एक ऑप्शन और है यहाँ पे अर्निंग का, रेफरल का अर्निंग, रेफर करके आप किसी फंड को अपने यहाँ पर रेफर करते हैं तो वहाँ से भी आपको उसका कुछ परसेंट यहाँ पे अर्निंग होती रहती है, 20% यहाँ पे अर्निंग होती रहेगी लाइफ टाइम के लिए। तो जस्ट ये आपका URL कोड है, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को जो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।